सत्ता में अब बात करते हैं पूरी दुनिया में मजबूत होती हिंदुस्तान की सनातन सत्ता की, जिसमें हिंदू धर्म की ग्लोबल स्वीकार्यता है, बड़े बड़े ताकतवर नेताओं की इसमें अखंड आस्था है। जरा सोचिए, विचार कीजिए, समय का चक्र ऐसा घूमा कि जिस देश ने 200 सालों तक भारत को गुलाम बनाए रखा, वहां की सत्ता की बागडोर एक भारतवंशी ऋषि सुनक के हाथ में, और सुनक अब दिल खोलकर बता रहे हैं कि उनके दिल में हिंदू धर्म और अध्यात्म का GPS है। इस वक्त सुनक की जुबान पर जय सियाराम का जाप है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की ये सनातन प्रेम वाली तस्वीरें आज एक विश्लेषण की मांग करती हैं। कल ऋषि सुनक मशहूर कथावाचक मुरारी बापू की राम कथा में शामिल हुए। यह राम कथा ब्रिटेन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में हो रही है। ऋषि सुनक ने कहा कि वे PM नहीं बल्कि एक हिंदू होने के नाते इस कथा में शामिल हुए हैं। ऋषि सुनक की हिंदू भक्ति का यह सिर्फ एक ट्रेलर है, अभी पूरी पिक्चर बाकी है। आज हिंदुस्तान हिंदू धर्म और हिंदुत्व को लेकर सवाल उठाने वाले तमाम एजेंडाधारियों को गौर से ऋषि सुनक की जुबान पर आए एक एक शब्द को सुनना चाहिए। ऋषि सुनक जो बात कह रहे हैं वो भारत का कोई नेता खुलकर कह दे तो बहुत सारे राजनीतिक समीकरण उलट पुलट जाएंगे। इस लिहाज से भी ऋषि सुनक से जुड़ी यह खबर बहुत महत्वपूर्ण है। ऋषि सुनक भारतीय मूल के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो ब्रिटिश PM की कुर्सी तक पहुंचे हैं, वो भी ऐसे वक्त में जब ब्रिटेन तमाम तरीके की चुनौतियों का सामना कर रहा है। ऋषि सुनक के दिल में हमेशा से हिंदुस्तान के लिए एक खास लगाव रहा है। यह लगाव मंगलवार को भी जाहिर हुआ, क्योंकि मंच भी था, मौका भी था और माहौल भी था। कुछ पॉइंट्स में आप ऋषि सुनक के हिंदू हृदय की भावनाओं को समझ लीजिए, उसके बाद आपको सुनक की संपूर्ण सनातन आस्था वाली न्यूज रील दिखाएंगे। रामकथा में शामिल सुनक ने कहा कि वो PM नहीं बल्कि एक हिंदू के तौर पर कथा में शामिल हुए हैं। ऋषि सुनक ने कहा कि मुझे हिंदू होने पर गर्व है, यह भी कहा कि धर्म मुझे देश के लिए सर्वश्रेष्ठ काम करने के लिए साहस और शक्ति देता है। भगवान राम हमेशा से मुझे प्रेरणा देते हैं, वो जीवन की चुनौतियों का साहस के साथ सामना करना, विनम्रता के साथ शासन करना और निस्वार्थ भाव से काम करना सिखाते हैं। उन्होंने कहा कि बचपन में हम पास के मंदिर में जाते थे, वहां मेरा परिवार हवन पूजा और आरती करता था। सुनक ने यह भी बोला कि वो रामायण के साथ भगवत गीता और हनुमान चालीसा से भी प्रेरणा लेते हैं। सुनक ने कहा, मेरे ऑफिस की टेबल पर गणेश जी की सुनहरी मूर्ति रखी रहती है, उनकी मूर्ति मुझे लगातार कोई काम करने से पहले सुनने और उस पर विचार करने की याद दिलाती है। तो भारतवंशी सुनक की सनातन आस्था की ऐसी तस्वीरें पहले भी देखने को मिल चुकी हैं। पिछले साल जन्माष्टमी के मौके पर वो कृष्ण मंदिर गए, पत्नी अक्षता मूर्ति के साथ उन्होंने भगवान कृष्ण से आशीर्वाद लिया, इसकी जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट करके दी थी। हालांकि उस वक्त वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री नहीं बने थे। एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में हिंदू धर्म को मानने वाले 120 करोड़ लोग हैं और दुनिया के 110 से ज्यादा देशों में हिंदू रहते हैं, जिनमें ब्रिटेन भी शामिल है। यही वजह है कि इस संख्या शक्ति की भक्ति बड़े बड़े ताकतवर नेता भी करते हैं। इसकी एक बानगी कुछ दिनों पहले खुद को सुपर पावर समझने वाले अमेरिका में भी देखने को मिली थी, जब वहां की रिपब्लिकन पार्टी के नेता भारतवंशी विवेक रामास्वामी ने ऐलान किया था कि मैं हिंदू हूं और मुझे अमेरिका का राष्ट्रपति बनना है। तो अमेरिका में हिंदुओं का बोलबाला सिर्फ चंद लोगों के बयानों और चर्चाओं में नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी हिंदुओं का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है। आपको बता दें, अमेरिका में अब दिवाली पर सरकारी छुट्टी देने की तैयारी चल रही है। इसको लेकर न्यूयॉर्क असेंबली में एक कानून बनाने की तैयारी भी हो रही है। न्यूयॉर्क असेंबली के स्पीकर कार्ल हिस्टी ने 24 मई 2023 को एक बयान जारी करके दिवाली पर सरकारी छुट्टी का प्रस्ताव रखा था। फिलहाल दिवाली के दिन न्यूयॉर्क, न्यूजर्सी, कैलिफोर्निया, मैरीलैंड, वर्जीनिया, टेक्सस, जॉर्जिया, मिशिगन और पेंसिल्वेनिया में आधिकारिक अवकाश रहता है। दिवाली को अमेरिका का देशव्यापी अवकाश बनाने के लिए एक प्रस्ताव अभी पास होना है। ऐसा होने पर दिवाली अमेरिका का 12वां संघीय अवकाश बन जाएगा। अमेरिका में हिंदुस्तान के बढ़ते वर्चस्व की कहानी सिर्फ हिंदू तक सीमित नहीं है, बल्कि हिंदी का भी बोलबाला तेजी से बढ़ रहा है। अमेरिका के स्कूलों में हिंदी भाषा की पढ़ाई के लिए राह खुलनी शुरू हो गई है। अमेरिका में सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक पार्टी के संगठन एशिया सोसाइटी और इंडियन अमेरिकन इंपैक्ट से जुड़े 100 से ज्यादा जनप्रतिनिधियों ने राष्ट्रपति बाइडेन को इस बारे में प्रस्ताव सौंपा है। इसमें 816 करोड़ रुपए के फंड से 1000 स्कूलों में हिंदी की पढ़ाई शुरू करने की अपील की गई है। कहा तो यह भी जा रहा है कि अगले साल 2024 में सितंबर से हिंदी भाषा की पढ़ाई शुरू हो सकती है। आपको बता दें, अमेरिका में भारतीयों की बहुलता है वो ज्यादातर न्यूजर्सी, टेक्सस, न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया राज्यों में
है जहां पर हिंदी पढ़ाने वाले लगभग 10 स्कूल हैं। अमेरिका में फिलहाल हाई स्कूल पर जो पढ़ाई होती है हिंदी की, उसमें हिंदी का कोर्स पढ़ाया जाता है। इसमें हिंदी की बेसिक पढ़ाई ही कराई जाती है। अमेरिका में रहने वाले लगभग 45 लाख भारतवंशियों में से 9 लाख लोग हिंदी बोलते हैं, जो वहाँ बोली जाने वाली जो भारतीय भाषा में नंबर 1 है।